एक शपथ आपने ली थी, अपनी वर्दी, अपने फर्ज के लिए। एक शपथ मैंने ली है बाबा, इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। लगभग 4,200 धर्म है इस दुनिया में। आखिर कौन लिख रहा है सत्यमेव जयते 2 फिल्म की कहानी? क्या है जॉन का क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद से कनेक्शन? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक नई और फ्रेश वीडियो में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। 2018 में रिलीज हुई जॉन इब्राहिम की सुपरहिट पेट्रियोटिक फिल्म सत्यमेव जयते 2018 की बेस्ट फिल्मों में से एक थी। जॉन बॉलीवुड के उन तमाम एक्टर्स में से हैं जो अपनी फिल्म को अकेले ही सुपरहिट बनाने का दम रखते हैं। बाटला हाउस, सत्यमेव जयते और परमाणु जैसी कई सारी फिल्में हैं जो कि जॉन इब्राहिम ने अकेले ही अपने दम पर सुपरहिट बनाई हैं। दोस्तों बता दूं कि बॉलीवुड के सबसे रिस्पेक्टेड और मोस्ट अप्रिशिएटेड एक्टर्स में से एक हैं जॉन। तो दोस्तों बता दूं कि बीच में जॉन की फिल्मों का आना कम हो गया था और कुछ फिल्में ऐसी थीं जो लगातार जॉन इब्राहिम की फ्लॉप होती जा रही थी। बावजूद इसके उन्होंने अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया और कई सारी पेट्रियोटिक फिल्म लॉन्च करके बॉलीवुड में अपनी जगह बरकरार रखी। और दोस्तों इन्हीं फिल्मों में से एक थी सत्यमेव जयते, जिसका अपकमिंग सीक्वल सत्यमेव जयते 2 बनाया जा रहा है। फिल्म के पहले पार्ट में जॉन इब्राहिम एक ऐसे आदमी के किरदार में नजर आ रहे थे जो समाज में बुरे करप्ट ऑफिसर्स को दूर भगाने का काम करता है, लेकिन चुपचाप करके वो सबके सामने नहीं आता। वहीं दोस्तों इस बार फिल्म के सीक्वल में वो एक पेट्रियोटिक और ईमानदार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने वाले हैं, जो कि सबके सामने बुरे लोगों को और दोस्तों समाज में पल रहे ऐसे करप्शन के कीड़ों को मार कर दूर करता है। इस बार फिल्म में उनका कदम कदम पे साथ निभाने के लिए एक्टिंग में 2 साल बाद कमबैक कर रही हैं दिव्या खोसला कुमार। दोस्तों बता दूं कि फिल्म के पोस्टर में दिव्या खोसला और जॉन दोनों ही तिरंगे के रंग में लिपटे हुए नजर आते हैं। दोनों की आंखों में और पर्सनालिटी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म की कहानी में इतना दम हो सकता है कि बाकी चीजों में फिर ज्यादा फोकस करने की जरूरत ही न पड़े। फिल्म के पहले पार्ट को मिलाप जवेरी ने लिखा था और डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए दोस्तों फिल्म को इतना ज्यादा प्यार मिला और फिल्म का सीक्वल बनाया जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिल्म के सीक्वल को रिलीज करने में काफी ज्यादा वक्त लग गया, इसलिए दोस्तों इस लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए मिलाप जवेरी ने सीक्वल की भी कहानी अपने आप लिख डाली। मिलाप जवेरी सत्यमेव जयते फिल्म फ्रेंचाइज के राइटर और डायरेक्टर दोनों ही हैं। फिल्म की बारीकियों पर उन्होंने लॉकडाउन के बीच काफी ज्यादा काम किया है ताकि सीक्वल को पहले पार्ट से ज्यादा उभर कर सामने लाया जा सके। दोस्तों फिल्म के पोस्टर में नजर आती है एक जगह जहां पर दोस्तों जॉन देश के बहादुर वीर चंद्रशेखर आजाद के लुक में नजर आ रहे हैं। दोस्तों एक हाथ में हाल है, मूंछें वैसे ही ताव देती है और धोती लपेटे हुए उनका फेमस डायलॉग पोस्टर पर लिखा हुआ है। इस लुक के पीछे की वजह बताई जा रही है कि फिल्म में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वो चंद्रशेखर आजाद से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुए नजर आएंगे। फिल्म के आखिर तक एक ऐसा मोड़ आएगा जहां पर वो समाज के करप्ट ऑफिसर को उन्हीं की तरह खदेड़ कर बाहर फेंकेंगे, जिस तरह से दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने अपने देश, मिट्टी और सम्मान के खातिर अंग्रेजों को खदेड़ा था। दोस्तों फिल्म की कहानी, पोस्टर और ट्रेलर सुनने में काफी ज्यादा एक्साइटिंग नजर आ रही है। इनको देखकर ही रंगों में देशभक्ति उमड़ जाती है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि फिल्म कितना बड़ा कमाल करती है। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है कोमल तिवारी।